हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। आज मैं बताऊंगी आपको हाइड्रो टेस्ट यानी हाइड्रोलिक टेस्ट जो किया जाता है उसके बारे में। देखिए, ज़्यादातर हाइड्रोलिक टेस्ट जो होते हैं वो किसी नई या पुरानी कोई भी बॉयलर हो, ठीक है, कोई भी प्रेशराइज्ड जो स्टोरेज है, ठीक है, एक्सटिंग्यूशर है, किसी भी चीज़ का प्रेशर चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिक टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोलिक टेस्टिंग जब की जाती है तो उसको प्रेशर देखने के लिए की जाती है, उसका मार्क देखने के लिए की जाती है, ठीक है, कि इसका प्रेशर कैसा है, कितना गेन कर रहा है। ठीक है, तो इसमें यही प्रोसीजर बताया है कि जब डीप्रेशराइजिंग चीज़ रहती है उसको कैसे हम चेक करें, तो हाइड्रो टेस्ट कैसे करें, तो इसकी एक साइकिल फॉलो होती है जो कि इसमें बताया गया है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, इसमें कभी भी हमें क्या करना है, ओपन बॉटम जो नोज़ल है उसे नहीं ओपन करना है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, टॉप वेंट वाल्व जो रहती है उसको क्या रखना है, हमें ओपन रखना है। कब रखना है, नोज़ल, जो नोज़ल और बॉटम के बीच में है तब। ठीक है, अब इसमें क्यों किया जाता है हाइड्रोलिक टेस्ट, ये मैं आपको बताया अभी कि जो भी हम प्रेशराइज चीज़ें रहती हैं उन सबको देखने के लिए, प्रेशर इसमें कितना है, कितना गेन कर रहा है, उसको चेक करने के लिए। ठीक है, तो जो प्रेशर टेस्टिंग जो की जाती है वो क्यों की जाती है, कि उनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए, कोई भी नया पुराना ऑपरेटिंग इक्विपमेंट है जैसे कि बॉयलर है, हीट एक्सचेंजर है, पाइप कनेक्टिंग है, ठीक है, प्रेशर वेसल्स अगर इंस्टॉल्ड है तो उनके लिए। ठीक है, तो इनका प्रेशर चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। टेस्ट क्या होता है, परमिटेड ये तभी होते हैं जब इनका टेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये किसका काम होता है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ का ये काम है, मतलब डिपार्टमेंट जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ का रहता है वो HSE डिपार्टमेंट वगैरह। ठीक है, और इसमें ये भी चेक किया जाता है कि प्रेशर लीक तो नहीं हो रहा कहीं से। ठीक है, जैसे आपने किसी में एक्सटिंग्यूशर में प्रेशर कंटेन करके रखा, वो लीक तो नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें चेक करना होता है। ठीक है, जैसे कि कॉमनली हम किसान बोलते हैं हाइड्रोलिक टेस्ट बोलते हैं, या हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट भी बोल सकते हैं। इस तरीके से हाइड्रो टेस्ट की मशीन्स रहती हैं, इनमें टेस्टिंग की जाती है, प्रेशर गेज लगी रहती है, वॉल्व्स लगी रहती हैं, कौन सी वॉल्व कब खोलना है, ये सारी चीज़ें जो आपके यहाँ हाइड्रोलिक टेस्ट हो रहा है उसमें बताई जाती है। ठीक है, इस तरीके से ये चेकिंग की जाती है सारी। ठीक है, तो हाइड्रोलिक टेस्ट हमें करना ज़रूरी होता है ताकि हम चेक कर सकें प्रेशर लीकेज तो नहीं हो रहा कहीं भी, या प्रेशर उसमें कंटेंट है या नहीं, ये सारी चीज़ें हमें चेक करना होती हैं। तो जब हाइड्रो टेस्ट चल रहा हो तब हमें ये पता होना चाहिए कि जो नोज़ल है वो ओपन है या नहीं, एयर रिमूवल है या नहीं। ठीक है, तो पहले हाइड्रो टेस्ट में हमें ये चेक करना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, वाटर फ्लो जो है नोज़ल से वो मतलब वाटर फ्लो जो है वो बाहर करना होगा, जिससे क्या एयर रिमूव हो सके। ठीक है, फिर नोज़ल को क्लोज़ कर देना है, वापस से सारी चीज़ें वहाँ फिक्स हो जाएंगी, क्योंकि इसमें एयर बबल्स ना आए। ठीक है, हमें कंफर्म कब करेंगे ये, जब एयर बबल्स उसमें ना पड़े। ठीक है, तो ये क्या है, हाइड्रोलिक टेस्ट ये शो कर रहा है कि आप किसी चीज़ में प्रेशर कंटेन करके रख रहे हैं तो वो कितना प्रेशराइज रह रहा है, आप किस तरीके से उसे प्रेशराइज रख रहे हैं और किसी लीकेज वगैरह से वो बचा सके। जो प्रेशर गैस जो है वो हर महीने में एक बार कैलिब्रेटेड उसे करना होता है। ठीक है, और जो प्रेशर गेज है, देखिए वो क्या रहता है, कैपेबल रहती है प्रेशर को मेज़र करने के लिए। तो जब भी टेस्ट प्रेशर हम मेज़र करते हैं तो हम प्रेशर गेज से चेक कर लेते हैं। ठीक है, जो भी रोटेटिंग सिस्टम रहते हैं, रोटेटिंग पार्ट्स रहते हैं हाइड्रो पंप्स के, एयर कंप्रेसर्स के, वो क्या रहते हैं, गार्डेड रहते हैं, सेल्फ गार्डेड रहते हैं, जिससे कि ऐसा टेस्ट कोई चल रहा हो तो हम पर कोई मुश्किल ना आए। ठीक है, सेफ्टी वॉल्व्स जो रहती है वो एयर कंप्रेशर की रहती हैं और वर्किंग कंडीशन में वो रहनी चाहिए। ठीक है, साथ ही हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी मटेरियल है, फिटिंग इक्विपमेंट, डिज़ाइंस वगैरह जो भी है, वो सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग अगर हम कर रहे हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग अगर कर रहे हैं, तो ये सारे सामान जो हैं, जैसे पाइपलाइन की अभी स्पेसिफिकेशन हम कर रहे हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कर रहे हैं, तो प्रेशर रेटिंग क्या है उसकी, ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। ठीक है, मैनुअली हमें हैंडलिंग करना उसे बहुत अच्छे से आना चाहिए, लिफ्टिंग, लगेज, लंग्स जो भी हम कर रहे हैं, जैसे हाइड्रोलिक टेस्ट के लिए कुछ भी चीज़ अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए प्रॉपरली। ठीक है, और हमेशा याद रखें कि मिनिमम 2 प्रेशर ग्रेज तो आप उसमें यूज़ करें। ठीक है,
और इम्प्रॉपर या इनकरेक्ट ऐसी प्रेशर गैस, टेस्ट प्रेशर ऐसा कुछ भी ना यूज़ करें जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो, ठीक है। और इसमें क्या है, थोड़ा सेफ्टी भी मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है अगर आप प्रेशर टेस्टिंग कर रहे हैं। तो ये सेफ्टी में यही है, आप प्रॉपर पीपीई वेयर करके ही टेस्टिंग करें। जो भी आपके यहाँ इंस्पेक्टिंग सिस्टम है टेस्टिंग के अंदर, हॉट वर्क के अंदर क्या आ रहा है, कोल्ड वर्क के अंदर क्या आ रहा है, टेस्टिंग के अंदर वर्कमैन जो भी चल रहा है उसमें क्या रहा है, आपका प्रेशराइजेशन के लिए क्या फॉलो कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या बताया गया है इसमें, यही कि आप अगर प्रेशर टेस्टिंग कर रहे हैं तो आपको किस तरीके से करनी है, क्यों ज़रूरी है। तो यही है कि जो भी प्रेशर टेस्टिंग आप कर रहे हैं तो प्रॉपर पीपीई आपको पहनना होनी चाहिए, जिससे कि क्या होगा, होने वाला अगर कोई भी ऐसा एक्सीडेंट है जो आपकी बॉडी को हार्म कर सकता है उससे आप बच सकें सबसे पहली बार। क्योंकि देखिए एक्सीडेंट्स लेवल इसमें इंक्रीज़ हो सकता है क्योंकि हाइड्रोलिक टेस्ट है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें इसी चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि जब भी प्रेशर टेस्टिंग हो रही है तो आप अपनी बॉडी प्रोटेक्शन का ध्यान रखें, है ना। पीपीज अगर आप पहनते हैं तो बहुत हद तक खुद को सेफ रख पाएंगे इस तरह की टेस्टिंग में, ठीक है। तो हाइड्रोलिक टेस्ट ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में किए जाते हैं सारी चीज़ें चेक करने के लिए, तो ये होते रहते हैं। ऐसा कोई बड़ा ही इसका कोई प्रोसीजर नहीं है कि आपको बहुत कुछ इसमें जानना हो। नॉर्मल तरीके से इसका हाइड्रोलिक टेस्ट किया जाता है, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बस ये है, हमें सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस पता होने चाहिए, कैसे उसे मेंटेन करना है, कैसे खुद को सेफ रखना है, ये सारी चीज़ें पता होती हैं तो हम इजीली ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आज आपको हाइड्रो टेस्टिंग के बारे में बताया, हाइड्रोलिक टेस्ट के बारे में क्यों इसकी नेसेसरी है, कैसे हम कर सकते हैं, क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन ले सकते हैं, इन सब के बारे में। सो थैंक यू।